नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अस्थि विसर्जन के लिए छत्तीसगढ़ से प्रयाग जा रहे बुलेरो वाहन में सवार परिजन मध्य प्रदेश सीमा में दुर्घटना के हुए शिकार, दो लोगों की मौत। त्योंथर से बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से प्रयागराज के लिए अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे बुलेरो वाहन मध्य प्रदेश की सीमा में दुर्घटना का शिकार हो गया है। बताया गया कि उक्त बुलेरो वाहन खड़े ट्रक से जा भिड़ा, जिससे यह बड़ी घटना घट गई। घटना में एक बच्ची सहित दो लोगों की मृत्यु हो गई है, वहीं आधा दर्जन के करीब गंभीर घायल हो गए हैं, जिनका इलाज चाकघाट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है। बुलेरो वाहन में बच्चे और परिजनों को मिलाकर करीब 11 लोग मौजूद थे। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं चाकघाट से हमारे रिपोर्टर ईशु केशर वानी की यह रिपोर्ट। धन्यवाद, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। कहाँ के रहने वाले आप लोग? मैं तो आंकुर का रहने वाला हूँ, लेकिन आए थे हम लोग केवटा पाली से अस्थि विसर्जन करने इलाहाबाद प्रयाग। क्या घटना आप लोगों के साथ घटी है? गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, उसमें दो की मृत्यु हो गई, बाकी चार पांच घायल हैं। क्या सहयोग यहाँ आपको प्रशासन से क्या सहयोग मिल रहा है इलाज वगैरह? अभी तो फिलहाल ठीक है सर, जो भी है। ये छत्तीसगढ़ से आप लोग यहाँ प्रयागराज अस्थि विसर्जन के लिए? जी सर जी। तो जो जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी उम्र लगभग क्या रही होगी? 47 साल। अच्छा, आप मृतक के क्या लगते हैं? बहनोई।